नमस्कार। मालवोत्सव के इस वृत्त चित्र में मैं मधुरा आगरकर और मैं गौरव गुप्ता आपका स्वागत करते हैं। देश के बीचों बीच बसा है मालवा संभाग। मालवा जहां कई वर्षों तक होलकर वंश ने राज किया। देवी अहिल्याबाई होलकर ने यहां की संस्कृति प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए। इतने वर्षों बाद आज भी मालवा कुछ मूल्यों से समृद्ध है, जैसे कला, संस्कृति और अहिल्याबाई जैसी कला प्रेमियों का विशाल समागम। मध्य प्रदेश सरकार मालवा के इस खरे रंग को पहचान कर हर वर्ष मालवा उत्सव का आयोजन करती है। मालवा उत्सव सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि समावेश है, हमारी बोली और भाषा का, हमारे धर्म और विकास का, नाट्य नृत्य और संगीत का, मालवा की इस अद्भुत मिट्टी का। पिछले 6 सालों से मालवा उत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश सरकार के लोक संस्कृति मंच द्वारा कराया जा रहा है। मालवा का गढ़ माना जाता है इंदौर। खान पान और संस्कृति का अनोखा संगम, प्रगति के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा शहर मालवा की शान माना जाता रहा है। इसी कारण मालवा उत्सव का आयोजन हर वर्ष यहीं के लाल बाग में किया जाता है। इंदौर शहर तथा देश विदेश के कई लोग भी यहाँ आते हैं 4 दिन का कला कुंभ देखने, जिसका नाम है मालवा उत्सव। आखिर मालवा उत्सव में ऐसी क्या बात है जो किसी और मेले या कार्यक्रम में नहीं? आखिर ऐसा है क्या जो सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं भारत के दूसरे प्रांतों से भी दर्शकों को खींच लाता है? आइए जानते हैं। ये 4 दिन मालवा कुछ रोचक गतिविधियों से गुजरता है। एक अति सुंदर मंच सजाया जाता है जो मुंबई से आए कलाकारों की कड़ी मेहनत से बनता है। रात में दूर तक दिखने वाली रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ ऐसी चीज है जो इसे और भव्य बनाती है। शुरुआत होती है एक भव्य रैली से, जिसमें हर क्षेत्र से आए कलाकार अपनी प्रस्तुति का नमूना पेश करते हैं। इस रैली के समय ये शोर कैसा हो रहा है, जरा सुनते हैं। ये शोर सिर्फ हल्ला करने वालों का नहीं है बल्कि एक अनुभूति है, कला के संगम की, एक अलग ही माहौल जहां इतने हुनर को एक साथ देखकर मन चंचल हो उठता है। रैली में जो नृत्य आपने देखे वो तो बस एक झलक थी। 4 दिन जो एक विशाल मंच पर प्रस्तुति देते हैं उनकी तो कुछ अलग ही बात होती है। Ah
गोटीपुआ, गणगौर, ढोलू कुनीता, झालड़िया, कोरकू थापती, रूफ डोगरी, मधुरा, मैंने तो इन नृत्यों का नाम पहली बार ही सुना है। गौरव, यही तो बात है, हम शहर में रहने वाले लोग बिल्कुल नहीं जानते हमारे भारत के लोक नृत्य को। ये राजस्थान, महाराष्ट्र तथा केरल के कुछ ऐसे लोक नृत्य हैं जो अपने क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं। बल्कि इनमें से कुछ नृत्य सिर्फ कोई जाति, यहाँ तक कि कोई परिवार ही कर पाता है। वसंत ऋतु में ही क्यों आयोजित किया जाता है? मालवा उत्सव को यकीनन वसंत ऋतु में ही चुना जाता है, क्योंकि ये माह कुछ नया, कुछ ताजा लेकर आता है और मालवा की मिट्टी इसी माह में एक सौंधी सी खुशबू देती है। मालवा के गांव-गांव में देखे जाने वाले मटकी नृत्य की एक प्रस्तुति, आइए देखते हैं। और संगीत के पश्चात जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है यहाँ की दुकानें। तीन सौ से ज्यादा दुकानें जहां भंडार लगता है हस्तशिल्प वस्तुओं का, जो मालवा में या बाहर बनाई जाती हैं। जैसे मांडना, जो मालवा की एक अनोखी कला है, यहाँ दोपहर में उसका शिक्षण होता है और शाम को लोग कलाकृतियाँ खरीदने भी आते हैं। खिलौने, कपड़े, साज सज्जा की वस्तुएं सब मिलता है यहाँ। 200 से ज्यादा कलाकार और 300 से ज्यादा दुकानों के बाद कुछ अंश अभी भी छूटे हैं। खान पान की ऐसी चीजें जो आम बाजारों में नहीं मिल पाती। और मेला हो और झूले ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? बड़े बड़े झूलों में बच्चे ही नहीं बड़े भी खूब मजा लेते हैं। आश्चर्य तब होता है जब गणेश झूला जैसे प्राचीन झूले भी यहाँ शहरवासियों का मन मोह लेते हैं। आखिर में आए जाने लोक संस्कृति मंच के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी जी, मालवा उत्सव के बारे में क्या खास बताना चाहते हैं? देखिए, 5 दिवसीय ये उत्सव रहता है और इसमें देश के 22 राज्यों के कलाकार आते हैं और खास करके वो कलाकार जो लोक कला में फोक डांस के रहते हैं। और फिर उसमें एक एग्जीबिशन भी लगाते हैं हम, जो
हर बार नए नए किसी न किसी बात को लेके एग्जीबिशन जो जनता के बीच में जाती है। इस बार पिटियाओं के ऊपर लगाई थी, वो पिछली बार पंखों के ऊपर लगाई थी, उसके पहले हमने पगड़ी के ऊपर लगाई थी। तो कोई ना कोई एक एग्जीबिशन भी रहती है, फिर वर्कशॉप भी रहती है। हमारी जो बहनें हैं उनको सिखाने के लिए अलग अलग वर्कशॉप, टेरा कोटा है या एम्ब्रॉयडरिंग या लूम है, ऐसे सिखाने के, तो एक मल्टी कल्चरल एक्टिविटी वहाँ चलती रहती है। और उसी के बीच हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लोग भी वहाँ आते हैं। तो कुल मिला के एक कला और संस्कृति का एक छोटा सा संगम रहता है जो 5 दिन तक वहाँ रहता है लालबाग। जितना मोह की कला को दूर से लगता है, पास से उतना ही सुंदर और अद्भुत है। कर्नाटका के धोलुकुनिता नृत्य के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं और आशा करते हैं कि मालवा की मिठास आपके मन में घर कर चुकी होगी। नमस्कार। शिमोगा जिला में शिकारीपुर में रहते हो और हम तो सब लोग किसान हैं और 2008 में आए थे और 2012 में ये मालवा उत्सव के लिए हमको बुलाया है। कौन सा नृत्य करना है? हम तो डोलू पुनीता नृत्य कर रहे हैं। डोलू नृत्य? डोलू पुनीता, डोलू पुनीता, डोलू पुनीता। Come on.